हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल अलग तरह की है। तो आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे, लेकिन ना हम इसमें पानी निकालेंगे और ना ही फटने का कोई डर है, बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। 2 कप हमने ले लिया है गेहूं का आटा, थोड़ा सा नमक डाल के, और 1 टीस्पून हम उसमें अजवाइन मिला देंगे। और 1 बड़ा चम्मच हम मिला देंगे कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच ऑयल का मिलाएंगे, और अब हम एक नरम आटा लगा लेंगे। वो बिल्कुल जिस तरह रोटी चपाती का बनाते हैं ना, उसी तरह का आटा हमें लगा लेना है। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स अलग सी है, कोई झंझट नहीं, कोई बखेड़ा नहीं, बहुत आसानी से बनेगी ये हमारी रेसिपी। और ये पराठे बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, फटने का डर या किसी और चीज़ का डर। तो हमने आटा गूंद लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा के अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये लिया है 2 मीडियम साइज़ की हमने गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। और अब हम क्या करेंगे कि इसे ग्रेट कर लेंगे। ये बीच वाले साइड से हमको ग्रेट करना है, ना बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेट करना है ना बहुत ज़्यादा मोटा, बीच बीच वाले साइज से ग्रेट कर लेते हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये पराठे बनते हैं, बिना फटे, बिना किसी झंझट के। और ना हमें पानी वानी निकालना है कि इसे कपड़े में लगाओ और पानी निकालो, एक्सक्यूज़ करो, नहीं, कुछ भी नहीं। तो गोभी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेते हैं, और उसमें हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, और 1/2 छोटा चम्मच मंगरेल या कलौंजी। तो इन मसालों की खुशबू बड़ी अच्छी आती है, तो थोड़ा सा भून लेंगे और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम ज़रा सा इसमें अजवाइन भी मिला देंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून के, और 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है यानी कि कद्दूकस कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें भी मिला दी हैं। ज़रा सा भूनेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू अदरक हरी मिर्च मसालों की आ रही है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं स्टफिंग हमारी कितनी लाजवाब बनने वाली है। और अब एक छोटे प्याज को हमने चॉप कर लिया है, उसे भी मिला देंगे और इसे भूनेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक। और हाँ, ध्यान रखना है कि अभी हमें हमारा फ्लेम हाई है क्योंकि हमें प्याज का पानी सुखाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाई फ्लेम पर बस इसे चलाते हुए प्याज के पानी को सुखा लेंगे, ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा। साथ ही अब मिला देंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और अभी फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो हल्की आंच पर हम मसालों को भून लेंगे बस हाथ जल्दी जल्दी चलाते हुए। अब हम मिला देंगे ग्रेट किया हुआ अपना गोभी। चौथाई चम्मच हम मिला देंगे काला नमक, काला नमक से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, और 1 टीस्पून हम मिला देंगे नमक, या जैसे कि आपका जायका है उस हिसाब से कम ज़्यादा मिला सकते हैं। अब हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर में मिला देंगे, थोड़ा सा चटपटा मज़ा देने के लिए पराठों को। ये देखिए हमारा फिलिंग हमारी ये बिल्कुल ड्राई होने लगी है, और गोभी का पानी जो भी था नमक डालने के बाद निकला था वो सूखने लगा है। तो जब भी हम नमक डालेंगे गोभी का पानी निकलेगा, उसे हमको सुखा लेना। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये हमारा मिक्सचर। तो बस अब हम हीट को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। चलिए एक बाउल में निकाल के रखते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। मिक्सर ठंडा हो जाए तो उसमें धनिया की पत्ती मिला लेते हैं, धनिया की पत्ती ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा हमारे पराठों का। इधर आटा भी तैयार हो चुका है,
थोड़ा सा मसल करके अब हम इसके लोई काट लेंगे। तो हमने 7 लोई काटे हैं, आप 7 से 8 बना सकते हैं या 7 से 6 भी बना सकते हैं, यानी छोटा बड़ा जैसा चाहें। तो फिलिंग का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो एक तरीका तो ये हुआ कि लोई का कटोरी बना लें आप, ये इस तरह से, जिस तरह से कटोरी बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा मोटा रखते हैं और उसके बाद स्टफिंग भर देते हैं, ये इस तरह से। और उसके बाद लोई को हाथों से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसके बाद बेल लेते हैं। ये अब ये है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में क्या है, लोई को थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर स्टफिंग उसके ऊपर डालेंगे। तकरीबन 2 चम्मच स्टफिंग हम डाल रहे हैं ताकि अच्छा सा भरा भरा पराठा बने। और देखिए इसी तरह से मोड़ते हुए गोल गोल घुमा करके हमें अपनी लोई को सील कर लेना है और थोड़ा सा स्टफिंग को भी हाथ से दबाते जाना है, बिल्कुल अंदर तक भरा हुआ आए, बहुत मज़ेदार इससे लगेगा। और जो ऊपर का हिस्सा है उसे इसी तरह से घुमा करके सील कर लेते हैं। तो ये है ना बड़ा आसान सा तरीका, ये कोई भी बना ले, कोई झंझट नहीं। और आप देखिएगा कि आगे भी हमारे पराठे ना बेलने में फटेंगे ना सिकने में फटेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लेंगे ताकि इवनली हमारा जो स्टफिंग है वो किनारे किनारे तक फैल जाए। और अब हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ किसी तरफ भी नहीं फटे हैं पराठे, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब एक तवा को गर्म करते हैं और तवा को हमें मीडियम हॉट रखना है। हल्का सा एक तरफ सिक जाए तो उसे पलट लेंगे। ये देखिए प्यारी सी चित्तियाँ ऊपर आ गई हैं। अब हम ऑयल डालेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है इसे फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह अलट पलट के हम पराठे को सेकेंगे। कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है कि अब तो देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। और आपने देखा ना, ना हमने पानी निकाला, ना कुछ किया, और ना ही हमारे पराठे फटे हैं, बिल्कुल आसानी से बन गए हैं और मज़े में तो लाजवाब। ये देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ, ये अंदर तक भरी भरी स्टफिंग है, कहीं से भी कोई कम नहीं है। इसे हम रायता किसी चीज़ के साथ परोस सकते हैं, चटनी अचार के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुँचे। तो इसी तरह की रेसिपी हम लेके आते रहते हैं और पराठों की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।